लगातार तिब्बत की आजादी के लिए आंदोलन हो रहा है और जंतर मंतर पर आज सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं, वो जो कह रहे हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई ये नारा नहीं, ये धोखा है और भारत सरकार को चेत जाना चाहिए। लगातार दलाई लामा जितनी उम्र होती जा रही है तो उनके बाद भी उनके साथ साथ ये जो 65 साल के करीब हो गए और अभी भी चीन है वो तिब्बत को आजाद करने की सोच नहीं रहा, और अभी जो खबरें आ रही हैं कि जो पुराने मंदिर हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है। तो हमारे साथ डोलमा मैम है जो वुमेन्स के लिए प्रेसिडेंट भी, हम बात करेंगे उनसे। मैम, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर साल आते हैं, सरकार की तरफ से क्या संदेश आ रहा है, कुछ हो रहा है? हाँ, जरूर हो रहे हैं सरकार की तरफ से, हमेशा भारत सरकार हमारे साथ दे रहे हैं, इसीलिए हम भारत से उम्मीद लगा के 65 साल तक यहाँ पे है। वैसे भी भारत हमारे साथ जरूर देगा, क्योंकि भारत जो है हमारा गुरु देश है, तो हमें 100% मतलब विश्वास है भारत एक दिन हमारे साथ जरूर देगा। पेंशन लामा की बात हो रही है कि उनको अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, आप लोगों ने नारे लगाए कि लॉन्ग लिव पेंशन लामा, पेंशन लामा की लगातार बात हो रही है, उस पर कोई खबर आई है, कुछ आया है क्या उनके बारे में, कोई सूचना मिली है कैसे भी करके कहीं से भी? हाँ जी, अब पेंशन लामा का बात ऐसा है, चीन जिसके कब्जे में हमारे सेकेंड हाईएस्ट पेंशन लामा जी है, हमारे धर्म गुरु है, वो एक धर्म गुरु नहीं हो के पहले एक हमारे इसमें पॉलिटिक्स लीडर भी रहा है, पॉलिटिकल लीडर, हाँ लीडर है, इसलिए है, तो इसलिए हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये पता लगाया जा रहा है कि पेंशन लामा जी है, लेकिन पेंशन लामा जी को अभी हमारे बीच में वो पेश नहीं करते हैं, तो एक ऐसा दिन भी आएगा पेंशन लामा जरूर हमारे सामने आएगा। ये जो लगातार जो तिब्बत के आंदोलन की बात हो रही है, कहते हैं कि भारत की सुरक्षा के लिए तिब्बत का आजाद होना जरूरी है, तो अब इस विषय में लग पूरी दुनिया में मांग उठ रही है, और आप लोग जिस तरह से आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, नई पीढ़ी ने आज नेतृत्व किया है, आपके युवा लोग आए हैं, भारत की जनता का कितना साथ मिल रहा है? ये जो आज की ये शानदार जो हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो चाइना का हुआ है, ये भारत का साथ होने की वजह से इतना सफल हो पाया है। आपने देखा होगा हमारे बीच में हमारे टिबेटन बहुत सारे सपोर्टर्स है, गुरुज भी है जो कि हमारे प्रोफेसर आनंद जी भी आए हैं, और हमारे भारत तिब्बत सहयोग मंच के हमारे पंकज जी भी आए हैं, जो कि अभी उनको वैसे आज उनको और भी एक मतलब अवार्ड मिला है, हमें इस बात का भी बहुत खुशी है, मैं पंकज जी को बधाई देना चाहूँगी, लेकिन वो उस काम को भी छोड़ के आज हमारे तिब्बत देश के साथ देने यहाँ आए हैं, तो ये एक तिब्बत का हमारे साथ है, हमारे विश्वास है, इसीलिए आज जंतर मंतर में इतने दिनों के बाद में जो मतलब आज तक यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है जो कि मतलब ऐसे कर पाए। अच्छा, लगातार जंतर मंतर पर पूरे देश में जिस तरह से माहौल है चुनाव का, किसी को परमिशन नहीं मिली अब तक, मैं हम देख रहे हैं कि 1-1.5 महीने से किसी को परमिशन नहीं, लेकिन तिब्बत के लोगों को परमिशन मिली है, आप लोग को हम देख रहे हैं, एक मुझको आपको परमिशन क्यों मिलती है, क्या लोग प्यार करते हैं आपका, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं आप लोगों की, इसलिए आपको परमिशन मिली, वरना जनरल परमिशन है नहीं इस समय? जी हाँ, यही आपको भी मैं कहना चाहूंगी, पूरा भारत के मतलब जनता को कहना चाहूंगी, और विश्व भर के मतलब दुनिया वालों को, मैं लोगों को कहना चाहूंगी कि यही हमारे गुरु और चेला का धर्म यहीं पे देखा जाएगा, क्योंकि हम हमेशा मानते आया भारत हमारा गुरु है, तो गुरु होने के वजह से उनका भी एक कर्तव्य है जो कि आज उन्होंने हमें पूरा किया है, हमारे साथ देकर। अच्छा, महिलाओं की स्थिति, आप लगातार महिला संगठन भी चलाती हैं, कितनी महिलाओं में तिब्बत के प्रति प्रेम है, और जब आप आते हैं तो पहले अपना राष्ट्रगान करते हैं, इतना कुछ करते हैं, महिलाएं किस तरह से सोचती हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है वो क्या सोच रही है अभी तिब्बत के बारे में? जो हमारे नई पीढ़ी है वो आज के आप आंदोलन को देख के आपको पता लग गया होगा कितना मतलब हमारे आगे आ रहे हैं, तो आने वाले दिन में हमारे जो नई पीढ़ी है बढ़ चढ़ के ही साथ देंगे, अभी तक दे रहे हैं, अभी
खाली भारत में ही नहीं है, पूरे विश्व में हमारे नई पीढ़ी बहुत ही मतलब बढ़ चढ़ के हमारे तिब्बत की आजादी के लिए हमेशा तैयार है। देखिए, भारत की सुरक्षा के लिए तिब्बत की आजादी बहुत जरूरी है। 1962 का युद्ध भी हमने देख लिया है और सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जो बफर एरिया है, कभी भी भारत का संबंध चाइना से नहीं रहा था, हमेशा तिब्बत से रहा था, तिब्बत से आदान प्रदान होता था और तिब्बत ही भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए तिब्बत का आजाद होना बहुत जरूरी है और भारत की सुरक्षा के लिए तिब्बत जो है एक ढाल है, तो उस ढाल को सुरक्षित करना भारत सरकार की जिम्मेवारी है। जो भारत में निर्वासित रह रहे हैं उनके बच्चे अब तो वो भारत के ही नागरिक है, तो जो लोग भारत में है वो बराबर पूरी दुनिया से तिब्बती ये कह रहे हैं कि भाई हम शांति प्रिय लोग हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म है तिब्बत के अंदर, दलाई लामा को मानने वाले लोग हैं। पेंचंग लामा की बात हो रही है कि उनको चाइना ने कहां रख रखा है ये नहीं पता चल पा रहा है और ये संकट को जो दूसरे सबसे बड़े लीडर हैं, धार्मिक लीडर, उन पर संकट है। इनकी संस्कृति पे हमला हो रहा है, 65 साल लगातार निर्वासित होते हो गए और इनकी संस्कृति पे हमला हो रहा है, फिर भी इनके दिलों में अभी भी पेंचंग लामा, दलाई लामा पूरी तरह से वास करते हैं और ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि जब तक तिब्बत आजाद नहीं होगा लड़ेंगे, जीतेंगे। देखते रहिए मिनी संसद।